खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, जहां पर मजालिस अज़ा के लाइसेंस होल्डर्स का इजलास मुनाकिद किया गया, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान और डीपीओ हसन इकबाल ने की। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान ने खताब करते हुए कहा कि मुहर्रम उल हराम में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन तरजीह है और हुकूमत पंजाब के एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करने में भी एहतियात से काम लिया जाए, क्योंकि मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी, सफाई, इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट कर दिया गया है। डीसी सियालकोट ने मजीद बताया कि मजालिस अज़ा जुलूसों की सिंगल एंट्री होगी और सीसीटीवी कैमरों से रूट्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा लाउडस्पीकर के कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। डीपीओ हसन इकबाल ने खिताब करते हुए बताया कि मजालिस जुलूस से 200 मीटर तक पार्किंग ममनू होगी। डीपीओ ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा।